ये देखिए क्रॉस दिखा, उधर दिखा तू, इधर मत दिखा। एक मिनट गाइस, हम हैं थ्री किंग्स चर्च पे, जो कि कहा जाता है बहुत गोवा का, एक मिनट गोवा का सबसे मशहूर हॉन्टेड प्लेस जो है वो है थ्री किंग्स चर्च। और हम इस टाइम 2 बजे रात में, इस टाइम और आप देख सकते हैं पवित्र जाओगे, इतना हॉन्टेड प्लेस बताया गया, जबकि 2 बजे नहीं 1:15 बज पौने 2 बज रहे हैं अभी, और जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं रात के 1:15 बज रहे हैं, आई थिंक मतलब 11:45 वो देखिए 11:45 पे हम यहाँ पे थ्री किंग्स चर्च पे, जो बताया गया कि सबसे हॉन्टेड प्लेस है, और जो कि यहाँ कुछ भी नहीं, यहीं पे पैदल आ रहे हैं हम, आप कम से कम पवित्र जगह है ये इतनी, और जो कि हम 200 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं जंगल के, मैं भी हूँ यहाँ पे, हम तीन हुए हैं एक्चुअली, और अब हम यहाँ 300 किलोमीटर वहाँ पैदल आए हैं, इतनी बैप्टाइज्ड जगह है ये, फिर भी इसको ऐसा बता रखा है कि इतनी हॉन्टेड जगह है, एक तरह से ये अफवाह फैली हुई है, इट्स अ रूमर, जो कि खुद देखने में दो से आए हैं अभी तक, तो हम अभी फाइंड ही कर रहे हैं कि बोर्ड कहाँ पे, हम आपको बोर्ड दिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं। अगर आपको यहाँ पे आना है तो रात में ही आइएगा, क्योंकि ऐसी हॉन्टेड प्लेस का मतलब जो आपको इफेक्ट मिलेगा ना वो रात में ही आपको दिखेगा, उसके अलावा आप अगर आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है तो वो आपके ऊपर है, क्योंकि हमारे को अभी तक कुछ हुआ नहीं, नहीं हुआ। हम एक्चुअली बोर्ड ही देखना चाह रहे हैं, ताकि आपको विश्वास हो कि हम अभी तक थ्री किंग्स चर्च पे ही हैं, पर बोर्ड जहाँ का यहाँ पे, जहाँ तक यहाँ पे था वो ब्लैंक ब्लैंक, अगर आप, हम आपको दिखा देते हैं वहाँ का बोर्ड कैसे ब्लैंक है, आओ दिखाते हैं, बट चलो आप यहाँ हो रहे हैं ऐसे बोर्ड, यहाँ से सीढ़ी उतर के ही है, बस वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है सीढ़ियाँ हैं, अरे वहाँ नहीं है भाई, आ जा, देखिए हम यहाँ से आ रहे हैं, जो कि पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है, ये देखिए इस जगह को इतना हॉन्टेड बता दिया गया है कि यहाँ का बोर्ड तक ब्लैंक कर दिया, आप खुद, और जो आप कह सकते हैं कोई पूरा ब्लैंक, पूरा ब्लैंक बताया गया, पूरा ब्लैंक बताया, हाँ पूरा बोर्ड ये ब्लैंक है, ये देखिए, देखा आपने, ये सारा का सारा बोर्ड ही ब्लैंक, अब पता नहीं है क्या अफवाह है, बोर्ड ये अफवाह है या रियल है ये हमें नहीं पता, कुछ महसूस नहीं हुआ अभी तक हमें यहाँ पे, नेगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जल्दी निकलना चाहें, ये सिर्फ रूमर, क्योंकि हमें कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ है कि हमारे साथ अभी हमारी चाबी खो गई थी स्कूटी से जिससे हम आए थे, और वो किसी और स्कूटी पे हमें मिली, जो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी और स्कूटी पे हमारे को चाबी मिली हो, अचानक लाइट चली गई पूरी, और जब हम यहाँ पे आ रहे थे, जब 2 किलोमीटर की रास्ते पे हम थे, तो यहाँ की स्ट्रीट लाइट पूरी पूरी की पूरी ब्लैक हो गई, बिल्कुल बंद हो गई, ब्लैंक हो गई, पूरा रास्ता हमें कुछ नहीं दिखा, बस हमारी हेडलाइट से, और हम वहाँ से अकेले आ रहे हैं, हमारी हेडलाइट के भरोसे हम यहाँ तक आए हैं, आपके भरोसे, अब आप देख लीजिए अगर आपको आना है यहाँ पे, चलो बस जो भी है, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा चैनल, चैनल का नाम है एल्स एडवेंचर, एंड हम आपको और भी एडवेंचर्स प्लेसेस पे लेके जाएंगे, अब आपको हम कल मिलते हैं, सो स्टे काम एंड गुड नाइट, बाय, बंद करो वीडियो।